उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 40-50 साल बाद आज लग रहा है कि अपने गांव में हूँ। 40 साल पहले दिल्ली चले गए थे, लेकिन आज जो यहाँ का माहौल देखा, अपना गांव याद आ गया। मेरा गांव मेरठ के पास है, वही वातावरण, वही मातृशक्ति, हमारी माताएं। आज भी कई कोई कोई घूंघट में ये याद आ रहा है कि हाँ, वही गांव है, गांव का वही माहौल है। और जो ये कार्यक्रम पहली बार आज आपको इस रसा सावधान किया जा रहा है भाई रामनिवास और राजकुमार के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा कि आज इन्होंने अपने गांव में, और कहना ये चाहता हूँ कि छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है, छोटा बच्चा बात बनाता अच्छा लगता है, यौवन खाता और कमाता अच्छा लगता है। यूं चेहरे पर चाहे जितने रंग आए जाएं, लेकिन हर चेहरा मुस्कुराता अच्छा लगता है, हर चेहरा मुस्कुराता अच्छा लगता है। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि आए हुए मेहमानों से करपद प्रार्थना है, आए हुए मेहमानों से करपद प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान इसे और भी लगाइए। यूं ही खड़े रहोगे तो दुखने लगेंगे पैर, अच्छा सा पड़ोस देख कर बैठ जाइए। यूं ही खड़े रहोगे तो दुखने लगेंगे पैर, अच्छा सा पड़ोस देख कर बैठ जाइए। कवि और कविता है आपके ये सामने जी, कविता के सागर में डुबकी लगाइए। लीजिए, मैं थोड़ा सा गुदगुदाने जा रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं, और मैं कहता हूँ पहली बार में ऐसा अच्छा सुन रहे हैं। ये हास और परिहास ये शहरों में नहीं है, यकीन मानिए। यहाँ जितने कवि हम आए हैं दिल्ली से, भाई हमारे महेंद्र शर्मा जी 16-17 बार लाल किले से पढ़ा, हम आए दिन कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, लिफाफे के लिए पढ़ते हैं, धन के लिए, वहाँ धन कविता सुनता है, यहाँ मन कविता सुन रहा है। मोटे मोटे लिफाफे हमें मिल जाते हैं, खूब मिलते हैं, लेकिन यहाँ जिस मन से आप सुन रहे हैं, मैं हम आज गदगद हूँ कि आप अपने बीच के लोगों को मैं सुना रहा हूँ। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हमने ये हंसी कहीं से लाने नहीं पड़ती, हमें तो रास्ते में मिल जाती है, हमें कहीं से भी मिल जाती है। ये हमारे भाई चाचा साहू मूछों वाले, टोपी वाले, धोती वाले, कुर्ते वाले आज लग रहा है। हमने तो गाड़ी से आ रहे थे, हम 5 लोग थे, हम बार बार मगर रास्ता क्या पूछे बुलंदशहर में, एक ताऊ जी खड़े थे, हमने रास्ता पूछा, मैंने कहा रतनपुर जाना है ताऊ जी, रतनपुर जाना है, बोला यार रतनपुर ही मैं जा रहा हूँ, मुझे भी बैठा लो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। मैंने कहा तो बैठ जाइए, हमने बैठा लिया, अब हमें क्या पता रतनपुर के आदमी ऐसे इतने टैलेंटेड हैं। बैठ गया था, बैठ करके 15-20 मिनट 40 मिनट हम चले, हमने पूछा बैठते, हमने पूछ लिया, मैंने कहा ताऊ ये रतनपुर कितनी दूर है, बोला 50 किलोमीटर है लगभग, मैंने कहा ठीक है 20-25 किलोमीटर और चले। हमने पूछा ताऊ रतनपुर अब कितनी दूर रह गया, क्योंकि हमें यहाँ भी टाइम पे पहुँचना था, बोला 50 किलोमीटर। मैंने कहा फिर अब गाड़ी कहाँ चल रही है, खड़ी है। फिर हम चल दिए, फिर आगे 20-25 मिनट और चले। मैंने कहा ताऊ रतनपुर अब कितनी दूर है, बोला 50 किलोमीटर। हमने सोचा ताऊ को हमने तो शराबी बैठा लिया दिखे, बोला 50 किलोमीटर। और आकर के बिल्कुल नजदीक जब आ गए और फिर पूछा, मैंने कहा ताऊ अब तो बता दे रतनपुर कितनी दूर है, बोला बेटे रतनपुर 50 किलोमीटर है, आप 10 बार पूछो 20 बार पूछो रतनपुर 50 ही किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये मर्द की जबान है बदलती नहीं है। ये रतनपुर के लोग हैं, धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का। और कई बात, हम तो दिल्ली में रहते हैं, संस्कार नहीं है। पुलिस की बात कर रहे थे भाई शर्मा जी, वहाँ की पुलिस का तो ये असमंजस रहता है, वो दिल्ली में केजरीवाल बैठा है, वो रोज ये क्या देता है कि पुलिस मेरे हवाले करो,
मैं सुधार दूंगा। और पुलिस ये कहती है कि इसे हमारे हवाले कर दो, हम सुधार देंगे। तो ये मामला रहता है। और एक बार वोट कर दिया बच्चे ने, हमें जो नुकसान हो रहा है वो महिलाएं फ्री कर दी, बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए। अब खाने का टाइम होता है, पत्नी घर में मिलती है, घूमने पे लग रही, घूमने पे लग रही, बर्तन मांजने का टाइम हो तो हम मांजते, वो फ्री चली जाए। बोले तुम्हारा कौन सा, मेरा कौन सा पैसा लगे, तुम्हारा तो पैसा लगे, घूमने तो पता ना केजरीवाल कितने दिन है कितना। तो ये बात है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस जरा सी बात को अगर ये जमाना सीख ले, इस जरा सी बात को अगर ये जमाना सीख ले, गैर से भी गैर को अपना बनाना सीख ले, अगर समस्या है तो उसका हल भी निकलेगा जरूर। शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीख ले, शर्त ये है आदमी बस मुस्कुराना सीख ले। लेकिन मुस्कान आती नहीं है चेहरों पर, हमने बहुत कुछ। गाड़ी का तो तनाव दीदी की साड़ी का, आपको पता नहीं बीबी के साड़ी का बहुत बड़ा तनाव है। मैं तो अभी पिछले दिनों जा रहा था बाजार में, मैंने पत्नी का हाथ जोर से कस के पकड़ा हुआ था, एक सामने से नौजवान आया बच्चा इस तरह का, बोले अंकल जी, मैंने कहा हाँ, बोले इस उम्र में भी, मैंने कहा बे क्यों, तुझे क्या तकलीफ है, मेरी अपनी है, ऐसी वैसी नहीं पकड़ के लाई, अपनी है इसलिए पकड़ रहा हूँ। बोले नहीं मैं तो ये कह रहा था इस उम्र में भी इतना प्यार। मैंने कहा प्यार व्यार छोड़, ये बाजार है, कपड़े की दुकान आएगी तो हाथ छुड़ा के उसमें भाग जाएगी और 5,000 का चूना लगाए बगैर नहीं निकलेगी। मैं तो अपना तनाव कम कर रहा हूँ, हाथ वाथ न पकड़ रखा, तभी तब कहता हूँ कि तनाव पड़ोसी की गाड़ी का, तनाव बीवी की साड़ी का, तनाव घटते संवाद का और तनाव बढ़ते आतंकवाद का। ये तनाव घटते संवाद का भी बहुत बड़ा तनाव है, आने वाले समय में एक बीमारी आने वाली है, आपको बोर्ड लगेंगे मिलेंगे, जैसे शराब छुड़ाओ ऐसा ऐसा बोर्ड लगा मिलेगा कि मोबाइल छुड़ाओ। तनाव घटता संवाद, संवाद नहीं हो रहा है, सुबह से शाम तक बैठे रहिएगा, चार प्राणी एक ही घर में एक ही कमरे में एक ही बेड पर बैठा दीजिएगा, आपस में बात नहीं करेंगे, ये चलता रहता है बस ये तनाव, आपस में संवाद घट गया है। और मैंने तो एक घर में देखा, वो पत्नी ने खाना ला के रखा, थाली इधर रख दी, अगले के बाएं हाथ में मोबाइल, उधर देख रहा है, इधर खाना शुरू कर दिया और 2-3 टुकड़े लगाए, बार बार खाता था और कह रहा है आज सब्जी में कुछ डाला ही नहीं, आज नमक मिर्च डाला ही नहीं। पत्नी ने देखा और मोबाइल छीन करके फेंक दिया, बोली नास पीते पहले तो देख तो ले, पानी में लगा के खा रहा है। ये घटते संवाद का तनाव है, तनाव बीबी की साड़ी का, पड़ोसी की गाड़ी का, घटते संवाद का, बढ़ते आतंकवाद का, ये तनाव वो है जो जीवन की गाड़ी को पटरी से उतार देता है। और तनाव मेरे दोस्त आदमी को जीते जी मार देता है, तनाव आदमी को जीते जी मार देता है। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तनाव से बचते बचाते रहिए, हंसी आए या ना आए लेकिन मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आती जाती हवाओं से हालचाल पूछता हूँ, आती जाती हवाओं से हालचाल पूछता हूँ, अपने ही जमी आसमान लिखता हूँ मैं सीमा के पर। जिन्होंने जान देकर भी वतन की लाज रखी है, शहीदों की शहादत को नमन करना जरूरी है, शहीदों की शहादत को नमन करना जरूरी है। हम बच्चों को कार दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे हैं, संस्कार दिए बगैर कार बेकार है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि गलती बच्चों की नहीं है कि वो शहीदों के नाम नहीं जानते। किसी स्कूल में चले जाइएगा और चार देशभक्तों के नाम पूछेगा, बच्चों के देश एक का भी नाम नहीं याद रहेगा।
और किसी फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में पूछ लीजिएगा तो जन्म कुंडली बता देंगे, बल्कि ये भी बता देंगे किसका किससे क्या चल रहा है। यहाँ तक बता देते हैं, देखो वो ताली बजा रहे हैं, उन्हें पता है सारा ये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गलती हमारी है, हम उनको उस तरह से बताते ही नहीं है। एक प्रयास मेरा है हमें किस तरह से उनको बताना चाहिए। ये मैंने गीत लिखा और क्यों कि हम परिचय उनका कराते ही नहीं है, इतिहास पढ़ाते ही नहीं, हम तो कुछ और बताने लगे। कल्पना कीजिए कि पंडाल में, एक हॉल में, एक घर में कुछ शहीदों के चित्र। मैं दिल्ली में प्रिंसिपल रहा और चित्रकार भी रहा, वहीं से मैंने कविता सर्जित की। एक कुछ चित्र मैंने बनाए हैं, उस तरह से हमें याद नहीं आते अब किसी को भगत सिंह, याद नहीं आते अब, गला खींच रहा थोड़ा सा, याद नहीं आते अब किसी को भगत सिंह, पगले भगत यहाँ रोज देख लीजिए। याद नहीं आते अब किसी को भगत सिंह, बगुले भगत यहाँ रोज देख लीजिए। नेताजी सुभाष के ना पहुँचा आस पास कोई, वैसे खड़ी नेताओं की फौज देख लीजिए। राणा के नसीब में तो घास की ही रोटियां थी, राणा के नसीब में तो घास की ही रोटियां थी, राजाओं के रोज प्रीति भोज देख लीजिए। और मां तो भारती की सेवा कैसे कर पाएंगे, ये बने हैं जो धरती पे भोज देख लीजिए, बने हैं जो धरती पे भोज देख लीजिए। दिया जिस जिसने बलिदान, उनकी तस्वीर दिखाऊं। दिया जिस जिसने बलिदान, उनकी तस्वीर दिखाऊं। किसकी तस्वीर है ये? महाराणा प्रताप सनीला चेतक पे सवार देख, महाराणा प्रताप सनीला चेतक पे सवार देख, माजी जा का लाल शिवाजी हाथ में तलवार देख, गुलामी स्वीकार नहीं आजादी से प्यार देख, गुलामी स्वीकार नहीं आजादी से प्यार देख। दोनों हाथों में तलवारें, दोनों हाथों में तलवारें, झांसी वाली रानी थी ये कहने को तो औरत है पर खूब लड़ी मर्दानी थी ये। नाम है इसका लक्ष्मी बाई, जिंदा अमर कहानी थी ये। नाम है इसका लक्ष्मी बाई, जिंदा अमर कहानी थी ये। पीठ पर बंधी देख संता, मैं कहाँ तक जिकर चलाऊं। दिया जिस जिसने बलिदान, उनकी तस्वीर दिखाऊं। चंद्रशेखर आजाद का गांव, माँ बाप गांव में रहते थे, बूढ़े थे आजाद के माँ बाप। वहां से एक संदेश आया, एक आदमी आया कि आजाद तुम्हारे माता पिता को खाने का भी लाले पड़े हुए हैं, तुम थोड़ा सा धन जो सरकारी ये खजाने लूटते हो, थोड़ा सा धन इसमें से अपने माता पिता के लिए भिजवा दो, कम से कम उनकी रोटियों का तो इंतजाम हो जाए। आजाद ने एक जवाब दिया, अपना बमतुल बुखारा, जो पिस्तौल उनकी थी उसका नाम बमतुल बुखारा था, उसने निकाली कि मैं उनके लिए कोई पैसा तो नहीं भिजवा सकता, माँ बाप के लिए मेरे पिस्तौल की दो गोलियां हैं, मैं दो गोली उनके सीने में उतार सकता हूँ दोनों के, लेकिन ये सरकारी ये हमारा पैसा है, देश के लिए जो पैसा है मैं अपने माँ बाप के लिए खर्च नहीं कर सकता, अगर तुमसे इंतजाम नहीं होता तो मैं दो गोली उनके सीने में उतार सकता हूँ। ये थे शहीद, इनको शहीद कहते थे। सब कहना चाहता हूँ, ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह गाबरू जवान देख, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह गाबरू जवान देख, कहने को तो बालक है पर महान से महान देख, गर्दनों में इनके फंसे फंदे के निशान देख।
गर्दनों में इनके फंसी फंदे के निशान दे, चौड़ी छाती लंबी मूछ आता नहीं तुमको याद, चौड़ी छाती लंबी मूछ आता नहीं तुमको याद, नंगी पीठ कोड़े खाके नाम बतावे था आजाद, ऐसा शेर कोई कोई सीनी जन्मों वर्षों में जन्मे एकाद, ऐसा शेर कोई कोई सीनी वर्षों में जन्मे एकाद। नमन करता हूँ चंद्रशेखर आजाद की माता के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ऐसा शेर कोई कोई सीनी वर्षों में जन्मे एकाद, दी वतन के खातिर श्रद्धा के सुमन चढ़ाऊं, दिया जिस जिसने बलिदान, उनकी तस्वीर दिखाऊं, दिया जिस जिसने बलिदान। और अगला चित्र किसका है? मेरी बात से भाग रखते हो तो वर्ष 100 वर्षों के इतिहास में यदि पहले मर्द का नाम पूछा जाए तो उसका नाम याद आएगा। आप सहमत होंगे तो ताली बजाएंगे एक बार जोरदार। मैं कहता हूं आइए सब। अगला नाम किसका है? मर्दों में एक मर्द हुआ था, नाम था जिसका चंद्र बोस। आप सहमत हैं? ताली बजाइएगा। मर्दों में एक मर्द हुआ था, नाम था जिसका चंद्र बोस, अंग्रेजों को शकल दिख जाए एक मिनट में उड़ जाओ। अंग्रेज चंद से अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस के फोटो से भी घबराते थे। मर्दों में एक मर्द हुआ था, नाम था जिसका चंद्र बोस, अंग्रेजों को शकल दिख जा एक मिनट में उड़ जा होश, एक हवाई दुर्घटना पे करके बैठ गए संतोष, एक हवाई दुर्घटना पे करके बैठ गए संतोष, बापू गांधी चाचा नेहरू खड़े हुए सरदार पटेल, छोटे कद के लाल बहादुर पाक कैदी थी डाल नकेल, आगे चित्र बना नहीं कोई बिखरा रंग बिगड़ गया खेल, आगे चित्र बना नहीं कोई बिखरा रंग बिगड़ गया खेल, बना दिया अपना देश महान, अब कहाँ तक जिक्र चलाऊं, दिया इस जिसने बलिदान, उनकी तस्वीर दिखाऊं। और ये कविता को मैंने यहीं पर रोक दिया था, लेकिन 20 साल पहले हमारे देश में एक युद्ध हुआ जिसे हम करगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस कविता में मैंने एक चार पंक्तियां और जोड़नी पड़ी फिर, क्योंकि वो जो बलिदान था हमारे देश के वीरों का, जब नौजवान हमारे देश के 20-20, 22 साल 25 साल के नौजवान और कफन तिरंगे झंडे में लिपट करके आते थे, तब मुझसे रुका ना गया। फिर मैंने इसमें एक बंद जोड़ा। मैं आखिरी बंद आपके लिए शाम का आखिरी बंद आपके नाम करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। जी चाहता है वीरों की ही रोज गाथा गाँव में, जी चाहता है वीरों की रोज गाथा गाँव में, करगिल के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं, जी चाहता है वीरों की ही रोज गाथा गाँव में, करगिल के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन चढ़ाऊं मैं, नए नए छंद बना के महफिल में सुनाऊं मैं, नए नए छंद बना के महफिल में सुनाऊं मैं, भारत माँ की वेदना ने अंतर मन झंझोड़ दिया, भारत माँ की वेदना ने अंतर मन झंझोड़ दिया, ऐसी अंधी चल गई जिसने सबका भांडा फोड़ दिया, इसीलिए साथी जी ने चित्र बनाना छोड़ दिया, इसीलिए साथी जी ने चित्र बनाना छोड़ दिया।
इसलिए साथी जी ने चित्र बनाना छोड़ दिया, चित्र का कर दिया पैक समा, अब किस पे कलम चलाऊं दिया, जिस जिसने बलिदान उनकी तस्वीर दिखाऊं दिया। धन्यवाद।